जनाब मलिक मोहम्मद सफदर अवान साहब, मलिक सफदर अवान साहब से पहले इतने रोस्टम ते जनाब साबिर हुसैन अवान साहब खलोते हैं। इन्हों के मुतलिक एक बड़ी अच्छी गल मैं हूँ हूँ पता चली है। पता चला कि इन्हों की वालदा पिशावरी आए, इन्हों के वालद पठान आए। इन्होंने दो लाइना पिशावरी च बोलियां, उसके बाद उर्दू इन्होंने बोलनी शुरू कर छोड़ी है। और यह सब कुछ करके इन्होंने साढ़े सारे वास्ते एक लम्हा फिक्रिया पैदा कर छोड़ा। वजह मैं तुम्हें बतावा वो ये वे कि साढ़े लोगों चो कितने लोग हैं जड़े अपने बच्चों नाल इनको बोलते हैं। असी लोग अपने बच्चों नाल इनको नहीं बोलने, उर्दू बोलने हैं। इस वास्ते इन्हों का कोई कसूर नहीं गा कि इन्होंने इनको नहीं आती। इन्हों के बड़िया का कसूर है जिन्होंने इन्हों इनको नहीं सिखाई। सानू ये चाहिए असं अपने बच्चों नाल खमखा इनको बोलीए। उर्दू जी है साड़ी कौमी जुबान है, स्कूलों कॉलेजों बार इंसान बोल सकता है, लेकिन कार सानू अपने बच्चों जरूर इनको सिखानी चाहिए। इनको सिर्फ बाजारा गलियां थड़ियां तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसनों आई सोसाइटी भी एक तरक्की याफ्ता जबान की हैसीयत नाल मुतारफ होना चाहिए और वह मुतारफ कराना साढ़े सारे का फर्ज है।